नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों का शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर संभव हो सके तो आप हमारी थोड़ी आर्थिक मदद भी करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी, साथ ही साथ ईमानदार पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे दर्शक इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस वक्त विपक्ष की सबसे बड़ी तकलीफ या उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके ऊपर एक तरीके से धावा बोल रखा है। रोज किसी न किसी दिन ऐसी खबर आती है कि आज फला नेता के घर पे छापे पड़े हैं, आज फला नेता के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है, या फिर किसी को जेल भेज दिया गया है, या किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इसकी संख्या पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से विपक्ष लगातार ये शिकायत कर रहा है कि दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से मौजूदा मोदी सरकार उनको न केवल निशाने पर ले रही है बल्कि उनको पूरी तरीके से खत्म करने पर भी आमादा है। उनकी शिकायत इसलिए भी जायज लगती है क्योंकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं या सरकार के साथ हैं, उन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता। आप शायद गूगल करें तो आपको बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ ईडी की किसी तरीके की कोई जांच नहीं दिखाई पड़ेगी। इसलिए विपक्ष का यह कहना है कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का गलत बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिक कारणों से, और वहां पे बैठे हुए जो अफसर हैं वो अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर उठते बैठते और डांस करते हैं। अब हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम थोड़ी सी राहत जो है विपक्षी नेताओं को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा है कि जो मौजूदा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ है संजय मिश्रा, उनको जो एक्सटेंशन दिया गया था वो एक्सटेंशन इनवैलिड है, गलत है और सरकार ने गलत काम किया है। हम आपको बता दें कि जो संजय मिश्रा है मौजूदा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ, उनको नवंबर 2018 में नियुक्त किया गया था। उस वक्त कानून के हिसाब से उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए होनी थी, लेकिन रिटायर होने के कुछ समय पहले यानी नवंबर 2018 में सरकार की तरफ से एक नया आदेश आया और उनकी नियुक्ति के टर्म को 2 साल से बढ़ा के 3 साल कर दिया गया। इस बीच जब उनकी नियुक्ति का टर्म खत्म होने वाला था यानी 3 साल लगभग पूरे होने वाले थे, उसी समय बल्कि रिटायरमेंट के कुछ समय पहले ही 2 कानूनों में बदलाव किए गए, 2 अध्यादेश सरकार की तरफ से लाए गए। दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946, सेंट्रल विजिलेंस एक्ट 2003, और इनमें बदलाव करके ये कह दिया गया कि दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के प्रमुख को एक बार में 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है और उनका कुल टर्म 5 साल का होगा। यानी इस कानून में बदलाव की वजह से संजय मिश्रा का जो टर्म था वो 5 साल का इन थियोरी हो गया, लेकिन चूंकि वो रिटायर कर चुके थे, रिटायर करने की जो पुरानी उम्र थी उसको पार कर चुके थे, इसलिए सरकार ने उनको एक एक करके 2 बार एक्सटेंशन दिया, सेवा विस्तार 2 बार दिया। इसके खिलाफ जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दरअसल उनको जो एक्सटेंशन दिया गया ये कानून सम्मत नहीं है। हम आपको बता दें कि दरअसल इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिवीजन बेंच, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस एल नागेश्वर राव। उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि किसी भी अधिकारी का एक्सटेंशन दिया जा सकता है लेकिन रेयर मामलों में, एक्सेप्शनल मामलों में और बहुत छोटे समय के लिए। यहां जो मौजूदा संजय मिश्रा है कायदे से उनका टर्म नवंबर 2020 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की मेहरबानी की वजह से वो 2023 तक अभी तक वो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 जुलाई तक अपने पद पर वो बने रह सकते हैं क्योंकि सरकार की दलील थी कुछ इंपॉर्टेंट मामले हैं जिस पर उनकी मौजूदगी जरूरी है।
कई सवाल है। पहला सवाल है, सरकार ने इस तरीके से उनको गैर कानूनी तरीके से एक्सटेंशन क्यों दिया, इसके पीछे की मंशा क्या थी, और क्या इसे कहा जाए कि विपक्ष की जीत है, नैतिक जीत है, और सर और विपक्ष जो लगातार ये आरोप लगाता रहा है सरकार के ऊपर कि सरकार जानबूझकर ऐसे अधिकारियों को उस पद पर नियुक्त करती है जो उनके इशारों पर चलते उठते बैठते हैं और उनके कहने पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हैं, क्या अब उस प्रवृत्ति पर किसी तरीके की रोक लग पाएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।